हम जानते नहीं, कुछ टीचर अभी नए भी आए हैं। तो मैं दीपक कुंडी संकुल शिक्षक ढक्का हाजी नगर, मेरे अंतर्गत जो स्कूल आते हैं ढक्का हाजी नगर कंपोज, अब तो उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जाएगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1-8 और प्राइमरी और यूपीएस हाजी नगर और पीएस कुकड़ी खेड़ा। मैं अपने संकुल साथी से निवेदन करूंगा, वो भी अपना परिचय देते जाएं। मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, अरे चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला खरहा दो पल चर कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो,
आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बच्चों, आज हम अपनी भाषा है ना जो हिंदी, उसका एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? उसके बाद आप जवाब देंगे। आप सुबह कब उठते हो? मिला तारीफ नहीं है। बताओ आप सुबह कब उठते हो? 6 बजे उठते हो, वेरी गुड। अच्छा, आपको कौन जगाता है? मम्मी। मम्मी, सबको मम्मी जगाती है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? सुबह उठे क्या किया आपने? चाय पीते। चाय पीते एकदम, चलो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोगों के स्कूल का टाइम क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा, स्कूल का टाइम क्या है आप लोगों के? 9 बजे। ये देखो, आप सभी को दिख रहा है ना, हमने एक टीएलएम बनाया है। अब देखो ऊपर, देखो सुबह ही सुबह। क्या होता है मैडम? ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए पूर्व कि हाँ बच्चे, हम सुबह उठ के ऐसे करते हैं, सूरज ऐसे होता है, चिड़िया ऐसे होती है। ये टीचिंग क्या चीज होती है? टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना टीचर को। और मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है हमारी सामग्री। सामग्री क्या होती है? सामग्री होती है कुछ प्रूफ, हमारे पास कुछ होना चाहिए सबूत, बच्चों को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास कुछ है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप सभी को दिख रहा है, देखो सुबह सूरज निकला, चिड़िया आई, ये हुआ सवेरा की पूरी पिक है, ठीक है? तो हम इस गीत को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। हम अभी 2-3 बार और दोहराएंगे इसको अच्छे से, ठीक है? हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। तो ठीक है बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द आए, जैसे सवेरा। सवेरे का मतलब हमारे होते हैं सुबह, जब सुबह ही सुबह उठते हैं ना, वो होती है हमारी सुबह या प्रातःकालीन। मंजन करना, मंजन करने का मतलब होगा हमारे ब्रश करना, दातुन करना, ठीक है? स्नान, नहाना, स्नान करना, ठीक है बच्चों? तो हम एक काम करते हैं ना, कुछ गतिविधि करते हैं, ठीक है? करोगे? हाँ।
जैसे मैं करूंगी आप हेलो जैसे मैं करूंगी आप ऐसे ही मेरे साथ साथ करेंगे ठीक है बच्चों रेडी चलो हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चों ने तब आंखें खोली अच्छे बच्चे मंजन करते मंजन करके खुल्ला करते खुल्ला करके मुंह को धोते मुंह धोकर के रोज नहाते रोज नहाकर खाना खाते खाना खाकर पढ़ने जाते मजा आया बच्चों एक बार और करें अभी इस प्रस्तुतिकरण में कोई दो अच्छी बातें जो आपको लगी हुई हैं वो धनुपुरा से मैम आप कोई दो अच्छी बातें जो इस प्रस्तुतिकरण में आपको अच्छी लगी धन्यवाद सबका मैं प्राथमिक विद्यालय अहमदनगर निकटांगा से हूँ शिक्षाविद मैडम ने जो यहाँ गतिविधि कराई बच्चों से अच्छी अच्छी बातें पूछी सब ठीक था लेकिन छोटे बच्चे जैसे हम कविता पढ़ लेते तो उस वक्त छोटे लेवल के बच्चे होते हैं इसमें मटेरियल सब आया और यहाँ सर ने पूछा भी था बहुत अच्छा पूछा था तो बच्चों को हम इस भाव से बताएं कि बच्चे को समझना जहाँ मटेरियल है बच्चों को मालूम नहीं मटेरियल क्या और कोई बात नहीं बहुत अच्छा धन्यवाद सर तालियां बजा दीजिए सर के लिए जो संशोधन सर ने किया ये बहुत ही अच्छा संशोधन है मॉर्निंग असेंबली तो आज हम बात करेंगे कि मॉर्निंग असेंबली को हम व्यक्तित्व विकास के लिए किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और पिछली बार दीपक पंडित जी ने भी कहा था कि संध्याकालीन सभा भी अब करनी अनिवार्य हो गई है तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे होता क्या है आमतौर पर के जो बड़े लेवल के प्रोग्राम होते हैं वहां पर कुछ ही सिलेक्टेड बच्चे होते हैं कि जिनको भेजा जाता है और वो वहां पर अपनी प्रस्तुति करते हैं तो इससे जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टेज फोबिया है वो दूर नहीं होता है स्टेज फोबिया यानी वो एक ऐसी अवस्था है कि जिस व्यक्ति की आदत नहीं है किसी बड़े जनसमूह के सामने खड़े होकर बात करने की तो इंसान नर्वस हो जाता है आवाज हकलाने लगती है बहुत से लोग के पैर कांपने लगते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये स्टेज फोबिया अपने हर बच्चे का दूर करें और ये स्टेज फोबिया इस तरह से दूर हो सकता है कि हम अपनी मॉर्निंग असेंबली में क्योंकि रोज मॉर्निंग असेंबली होनी है हमारी और अब तो इवनिंग असेंबली भी होनी तो हम रोज उसे इस तरह से कराएं कि हमारी क्लास के हर बच्चे को ऐसा बच्चा जो सबके पीछे छुपा रहता है सामने नहीं आता है उस बच्चे को भी हम मंच पर सामने लाकर उससे कोई प्रस्तुति ऐसी कराएं कि जिससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं और इसका बाकायदा एक रिटर्न में एक रिकॉर्ड रखा जाए और ये बताया जाए किस दिन किस क्लास को करना है किस दिन किस टीचर की जिम्मेदारी है बच्चों से न्यूज बुलवाई जाए समाचार बुलवाए जाए इसमें अलग अलग सेगमेंट होते हैं इंटरनेशनल न्यूज होती है नेशनल न्यूज होती है स्टेट न्यूज होती है लोकल न्यूज होती है वेदर की न्यूज होती है वैसे तो इकोनॉमिक न्यूज भी होती है जितने छोटे बच्चों के लिए वो सूटेबल नहीं है इसके अलावा बहुत सारे गीत जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है लेकिन प्रचलित है वो बच्चों को याद कराए जा सकते हैं अलग अलग प्रार्थनाएं जैसे अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर तो हमको मन की शक्ति देना हो रहा था बहुत सारी इस तरह की प्रार्थनाएं हैं हम बच्चों को याद करा सकते हैं प्लेज होती है रोजाना क्योंकि हमारा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो ये सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं तो जहां पर हिंदी में होती हैं वहां हिंदी में याद कराएं और हर बच्चे से इसे एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जब बच्चे को आकर खड़े होकर बोलना है तो हमें ये भी पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है वरना बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो मिसप्रोनाउंस होते हैं हमने देखा कि अगर हमने किसी एक बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया जब वो भीड़ के साथ तो वो बोल ही रहा था हमें पता ही नहीं था कि ये क्या बोल रहा है लेकिन जब उसे इंडिविजुअल खड़ा किया गया तो पता चला कि वो तो वर्ड ही गलत बोल रहे हैं तो इस तरह से मौका दिया जाए बैठक में हमारे सभी ARP महोदय और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं साथियों का हार्दिक अभिनंदन है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ समय पश्चात
विद्यालय रिओपन हो सकते हैं? जैसा कि सर बता रहे थे कि लगभग प्राइवेट के तो संभावित हैं जल्दी ही, लेकिन हमारे गवर्नमेंट लेवल के भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जैसा कि हमारे ध्यानाकर्षण में बताया गया है कि हमें उन बच्चों को कैटेगराइज करना है जिससे पता लग सके कि कौन बच्चे हमारे लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति कर पाए हैं और कौन से स्टूडेंट नहीं कर पाए। बच्चों की अपेक्षित संप्राप्ति न करने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुख्य रूप से चार कारणों का वर्णन किया गया है, जिनमें दो परिवार से संबंधित है बच्चे के, जैसा कि एक बच्चे के माता पिता का अशिक्षित होना, और दूसरा भी कहीं ना कहीं उनके माता पिता से ही संबंधित है, परिवार का कलहपूर्ण वातावरण। तीसरा जो बच्चे से रिलेटेड है उसके कोई ज्ञान इंद्रिय में किसी प्रकार का विकार हो सकता है, वो उस कारण से थोड़ा पीछे रह सकता है। और चौथा कारण जो कि मेनली शिक्षकों पर फोकस किया गया है कि शिक्षकों का कठोरतापूर्ण वातावरण। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इनका ध्यान रखकर आगे शिक्षण कार्य करना है, और जैसे ही हमारे स्कूल खुलेंगे उससे पहले हमें आकलन प्रपत्र बनाकर अपना तैयार कर लेना है, जिससे कि उनका परीक्षण किया जा सके कि उनको कौन सी दक्षताएं आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। आरंभिक परीक्षण से पूर्व हमें जैसे कि विषयवार आकलन प्रपत्र बनाना है। आकलन प्रपत्र कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्राथमिक में, जिसमें 15 प्रश्न होंगे, और 6 से 8 तक जूनियर में, जिसमें 25 प्रश्न होंगे, उस आधार पर बनाना है। प्राथमिक स्तर पर जो 15 प्रश्न थे उसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ, 5 प्रश्न 3 में 14 14 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, 4 5 में 16 16, तो उन्हीं को बेस्ट मानकर हमें एक क्वेश्चन लें और वो किसी न किसी लर्निंग आउटकम से संबंधित अवश्य हो। अब जितने प्रश्न हमने जैसे कि 15 प्राथमिक में बनाए हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए हैं, तो 15 से 45 अंकों का पूर्णांक प्राथमिक स्तर के लिए होगा और 25 से 75 का जो पूर्णांक होगा वो उच्च प्राथमिक के लिए होगा। साथ ही साथ जूनियर में 20 और 5 जी, साथ ही साथ इनकी आंसर की वो अवश्य बनाकर रख लें, क्योंकि ये तो हम बना लेंगे और बाद में जब इसके मूल्यांकन की बात आएगी तो उस समय दिक्कत हो जाएगी। इनकी आंसर की बनाना जरूरी है। जब आपकी ये सब चीजें रेडी हो जाएंगी, विद्यालय खुल जाएंगे, बच्चे हमारे विद्यालय में आ जाएंगे, तब हम इस आकलन को करेंगे उन बच्चों से। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है जिस दिन हम ये आकलन करेंगे। पहले तो हमारी बैठने की जो व्यवस्था है बच्चों की, वो तो उन्हें थोड़ा सा भय हो सकता है, इसलिए उनके माहौल को हल्का करने के लिए आप कुछ भी अपने स्तर से छोटा कोई गीत कविता कहानी कहकर उनको थोड़ा मनोरंजन करके उन्हें बिल्कुल फ्री हल्का माहौल बना देना है, जैसे कि वो नॉर्मल करें। दूसरी बात, जब हम प्रश्न पत्र बनाएं उनकी इतनी कॉपियां रेडी कर लें जितने हमारे बच्चे हों, ताकि हो सके तो प्रत्येक बच्चे को एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाए। उनका आंसर के लिए, उसके पास उत्तर लिखने के लिए भी कुछ अलग से पेपर होना चाहिए, यदि ऐसा संभव नहीं होता तो सैंपल पर लिख कर कराई जा सकती है। तो वहाँ भी एक दो जनों को जाना है। पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा, हरपाल सिंह नाम है मेरा और मैं ARP सामाजिक विज्ञान से हूँ, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, कहीं भी गया तो पहचानते नहीं है मुझे। और आज की जो बैठक है बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित की गई है प्रदीप जी के द्वारा, दीपक जी के द्वारा। मैं आप लोगों का कार्यक्रम काफ़ी देर से चल रहा है और देख भी रहा सुन भी रहा था। दीपक जी ने बहुत अच्छा बताया, हमारे शिक्षा संकुल ने उन्होंने भी काफ़ी बताया पेपर के बारे में। दूसरा ये है कि हमारा जो मिशन प्रेरणा जो चल रही है इस समय पूरे ब्लॉक में बहुत ज़ोर शोर से, और हमारा जो प्रेरक ब्लॉक बनना है वो सितंबर तक घोषित करना है हम लोगों को, इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी है। और जो मॉड्यूल्स हैं हमारे तीनों, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, तीनों को पढ़ना है सभी को, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये मत समझना कि छोड़ दें अभी।
आपको मॉड्यूल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं तीनों को। दूसरा, एक एक्टिविटी हम करा रहे हैं जो कि हमने अभी बताई थी, पर्ची बनवाई है, जिसके पास जो पर्ची आएगी वो यहाँ पर आके उस जो भी पर्ची में लिखा होगा, चाहे प्रेरणा लक्ष्य हो या किसी की फुल फॉर्म हो, तो उसको यहाँ के बताना है प्रत्येक को। अब जैसे इसी क्रम में मैम आपके पास कोई पर्ची है? अब इनकी पर्ची में उपचारात्मक शिक्षण में कितने ग्रुप बनाने की व्यवस्था दी गई है, तो ये इसके बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से अन्य पर्चियों पे लिखा होगा, सबको उसी के बारे में यहाँ के बोलना है। सर, मेरा नाम निशा दी, मैं शाजी नगर से हूँ। हाँ सर, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, शायद उपचारात्मक शिक्षण में कितने ग्रुप बनाने की व्यवस्था दी गई है, मुझे इतने अच्छे से ध्यान नहीं है इसका, लेकिन शायद दो ग्रुप बनाने की व्यवस्था दी गई है इसमें। इसी क्रम में पीछे बता, इसके बारे में कोई बता पाए? हेलो, उपचारात्मक इसके कितने ग्रुप बनाने की गई है व्यवस्था बताइए आप। तीन बताइए सर। ए बी सी तीन ग्रुप बनेंगे, वो उनके अंकों के आधार पर, जैसा कि अभी धनीराम सर ने बताया था कि प्राइमरी में 45 नंबर। देखिए, इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के हमें जो पेपर बनाने हैं, जो कि प्राथमिक का होगा जिसमें 15 प्रश्न होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 सब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक होगा और टोटल वो 45 अंक का होगा। तो इसमें ग्रुप बनेंगे ए बी सी, अगर 2 या 3 अंक पाता है तो वो ए ग्रुप में जाएगा, यानी कि 21 से 45 में, और इसी प्रकार से 01B है 16 से 20, और 15 से कम है तो वो सी ग्रुप में जाएगा। ऐसी उसमें उच्च में है 75 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा, उसको भी ABC में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जो क्या हो गया, ABC 3 ग्रुप हो गए। इसी क्रम में आप पीछे से आप बताओ मैडम। हाँ, खड़ी हुई है। इससे हमें ये ध्यान में रहेगा कि हमें क्या क्या करना है, मतलब एवरी टाइम रिन्यू होता रहेगा, कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम भूल गए या हमें पता नहीं। अच्छा, चलिए और कोई बताएं? आप बताइए नीतू मैम, क्या जरूरत थी मीटिंग की, मतलब ब्लॉक पे हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता है या फिर संकुल पे हो रही है वो ज्यादा बेटर है? पर यहाँ पे कम लोग हैं तो अपनी समस्या आसानी से रख सकते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में एक एक जगह अपनी समस्या नहीं रख पाता। बहुत अच्छा। देखिए, इसका उद्देश्य जो है वो मीटिंग का यही था कि एक माइक्रो लेवल पे एक अपनी हम डिस्कस कर सके मिशन प्रेरणा को, कि हम अपने इस विद्यालय में क्या गतिविधि कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने स्कूल में कर रहे हैं, जिससे कि न्याय पंचायत स्तर पर दूसरे लोग भी उस गतिविधि को अपना सकें और बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ा सकें। हम एज एन ARP हम आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो उसको हम दूसरी न्याय पंचायत में शेयर करेंगे, कि जिससे कि और लोग भी उस गतिविधि को अपनाकर लाभान्वित हो सके। अभी जहां तक लग रहा है मिशन प्रेरणा से संबंधित अगर बात करें, तो क्योंकि विभाग से जुड़े हुए हैं हम सब लोग, तो मिशन प्रेरणा से तो हम लोग जुड़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी मन से जो है वो मिशन प्रेरणा से हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो होता भी है कि मानव स्वभाव है कि जब भी कोई नया कार्य हम करते हैं तो मन में कई सारे प्रश्न होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, क्यों जुड़े हम मिशन से, क्या जरूरत थी इसकी, हम क्या पहले नहीं पढ़ा रहे थे, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम सबके मन में एज ए टीचर हैं, कि क्या हम अपने विद्यालय में सही से नहीं पढ़ा रहे थे जो हमें मॉड्यूल्स दे दिए गए, क्यों पढ़े हम मॉड्यूल्स को, हम तो सही पढ़ा रहे थे बिल्कुल।
तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न होंगे कि अभी तक हम जिस हिसाब से कर रहे थे अपने विद्यालयों में, तो क्या जरूरत पड़ी प्रेरणा लक्ष्य की, क्यों प्रेरणा सूची दे दी गई, क्यों हमें प्रेरणा तालिका दे दी और तीन तीन मॉड्यूल दे दिए पढ़ने के लिए? तो ये प्रश्न है आपके मन में, नहीं है किसी के मन में? किसी के मन में नहीं है? सबने पढ़ लिए मॉड्यूल्स पर? मन में तो नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ा। नहीं, मन में ये प्रश्न है, नहीं है, बिल्कुल अपडेट है सब लोग, तो फिर उसी पे बात करते हैं। है नहीं है? अच्छा, तो फिर चलिए, अगर है तो फिर इस पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहली चीज ये है कि मिशन प्रेरणा की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कोई बताएंगे ये भी कि मिशन प्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ी? टीचिंग तो हम लोग पहले से भी कर रहे थे, वही काम हमें फिर करना है। जी अमित जी बताइए। ये आदेश है, उनको मानना है हर हालत में, इसलिए जो ऊपर से निर्देश मिलते चले पूरा करना ही पड़ता है। इसीलिए जो आ रहा है मिशन प्रेरणा के संबंध में, कुछ ना कुछ उन्होंने जज किया होगा। आपने क्या जज कर रखी जरूरत पड़ी? कोई तो आपने भी कुछ सोचा होगा, देखिए हम सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, तो हमने भी सोचा होगा कुछ ना कुछ, और ऊपर से भी जो गाइडेंस मिल रही है बिल्कुल सही था, हमें पालन तो करना ही अक्षरशः उसका, विभाग से जुड़े हुए हम लोग हैं। लेकिन मिशन प्रेरणा की और कोई बताना चाहेंगे क्यों आवश्यकता हुई? आप बताइए अंजलि मैम। अच्छा चलिए बैठिए, और बताइए सवाल है, आप बताइए। देखिए बहुत अच्छा बताया, देखिए मिशन प्रेरणा की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि अभी तक, बैठ जाइए, बहुत अच्छा बताया आपने